ये वाला टायर 140 सेक्शन का और ये 150 है, ठीक है। ये इससे बड़ा है पर कितना छोटा दिख रहा है इसके सामने, 300 रुपया। भाई 200 ले लेना, सही है यार। तो गाइस इस वाली मशीन से अभी निकलने वाला अपना टायर, इसको पकड़ा भाई, लगता है कार वाले को नहीं पकड़ा भाई, कार वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ सीन हुआ है भाई यहाँ पे लग रहा है। बहुत बुरी भाई, क्या जलाया है, खतरनाक भाई। ये जो है ना भाई, पूरी देख लो अंदर, मतलब चाबी अंदर घुस जा रही है पूरी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेजी व्लॉग्स। सो कैसे हैं अपने लेजी फैमिली, आई होप सर अच्छे होंगे। अभी काफी लोग मुझे पूछ रहे थे भाई, मेरे काफी दोस्त भी पूछ रहे थे, कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे मिले थे अभी कल के दिन, रात के टाइम मिले थे, मुझे ये बोल रहे थे कि लेजी भाई आपके व्यूज क्यों कम हो गए। तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको एक एक करके जवाब देना बहुत भारी पड़ता है भाई, इसीलिए मैं बोला कि व्लॉग वो लोग देखेंगे, तो अगर व्लॉग देखेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा। तो भाई देखो ऐसा है, इससे पहले वाले व्लॉग में भी बोला कि भाई कंटेंट चेंज करा, उसकी वजह से थोड़े से व्यूज कम हुए। अब पहले 1-2 लाख आते थे, वो अलग चीज थी, वो मैं अब रोड रिच नहीं बनाता ना, इसीलिए व्यूज कम हो गए गाइस। पर कोई नहीं, हम कंटेंट चेंज करें, अब हम ऐसे ही कंटेंट डालेंगे, ठीक है, अपनी सेनोरिटा पे, अपनी बाइक्स पे। और मैंने पोल पे पूछा भी था, लिजी भाई ने पूछा था रोड रेज या कुछ और या ब्लॉक चाहिए सेनोरिटा पे, तो मोस्ट ऑफ 75% लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, 75% लोग ने बोला था कि लिजी भाई सेनोरिटा पे ब्लॉग्स आने दो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने प्लानिंग करा भी कि भाई सेनोरिटा पे अपने ब्लॉग्स डाले, सेनोरिटा को मॉडिफाई कराएंगे, उसमें एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ लगाएंगे। बट आज का क्या सीन है, आज मैंने सोचा है भाई आज सेनोरिटा को लेके जाएंगे अपने भाई, उसका टायर जो है बर्न करने वाले, पूरा टायर जला देने वाले। तो आज कुछ ऐसा सीन करने वाले, हमारे पास एक एक्स्ट्रा का टायर रखा हुआ है जो कि हल्का फुल्का पंचर है, और अपने सेनोरिटा का भी टायर हल्का फुल्का पंचर है, तो देखेंगे दोनों में से जो टायर सही रहेगा वो टायर गाड़ी में लगा देंगे, और दूसरा जो टायर रहेगा उसको जलाने वाले भाई, खतरनाक तरीके से बर्न करने वाले, धुआं धुआं निकलेगा आज के ब्लॉग में, तो बहुत मजा आने वाली। तो चलो जाते नीचे सेनोरिटा को निकालते हैं और उसको थोड़ा बहुत साफ भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, मैं सोचा वॉशिंग करवा लूं बट उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। अभी बज रहे भाई 2:30 बज रहे, 3 बज गए, तो 3 बज गए, तो मैं सोचा कि चलो अभी लेके निकल ही जाते हैं, बाद में कभी धुला देंगे। तो चलो गाइस, ये रही अपनी सेनोरिटा, सबसे पहले इसको भाई साफ कर लेते हैं, अभी वॉश करवाने का तो टाइम बचा नहीं है, तो एक काम करते हैं कपड़ा निकालते हैं और इसको साफ करते हैं। और तुम्हारा भाई कपड़ा कहाँ रखता है पता है? बताओ कहाँ रखता होगा पता है तुम्हारा भाई? ना यहाँ रखता है, ना यहाँ, यहाँ यहाँ कहीं नहीं रखता भाई, सीट के अंदर कपड़ा रखते हैं अपना, सीट के अंदर। देखो आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ भाई, सब सोचते लेजी भाई क्या है ये सब भाई, तो मैं मेरी मतलब है ना, ये बहुत महंगा कपड़ा है, 150 रुपये का लिया था, मैं बोला भाई चोरी हो जाता है, तो इसके लिए फिर मैं अंदर ही रखता हूँ। और भाई बहुत ज़्यादा गंदी होगी, इसको जल्दी जल्दी साफ कर लेते और निकलते भाई। एंड गाइस हमें कुछ ये दवाइयाँ लानी है, तो पहले ये दवाइयाँ ला के घर पे दे देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। सबसे पहले जाना है इधर मेडिकल शॉप में। गाइस ये रही मेडिकल शॉप, भाई कैसे हो, मस्त। गाइस जब भी मैं यहाँ रफ आता हूँ तो ये सारे चिल्लर मुझे मिल जाते हैं और सब भाई सब भाई कार खड़े होने गाड़ी पे, किसके विली विली स्टंट यहाँ पे बहुत मारेंगे सब मेरे को, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, गाड़ी गिराना मत। आई मतलब वो लोग भाई देखते ना भाई, लेजी भाई लेजी भाई लेजी भाई भाई पीछे दौड़ने लगते हैं यार ये लोग। यहाँ पे मिल जाएगी, तो गाइस दो दवा तो मिल गई, एक नहीं मिली, अब वो शाम को ले लेंगे। चलो अभी जल्दी से घर पे दे देते हैं और भाई निकलते हैं अपने, तो इसको डाल देते हैं गाइस इस डोल में, चलो हमारा काम पूरा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल गए, ठीक है, और अपना टायर भी अपने साथ है भाई। टायर देखते हैं भाई दोनों में से जो टायर मुझे अच्छा लगेगा वो मैं लगाऊंगा। आप लोग कभी साइड पर रुक के भाई टायर भी दिखा दो कौन सा टायर है, और थोड़ा बहुत मतलब घसाया हुआ है वैसे, अगर मैं देखूंगा अगर इसकी ग्रिप अच्छी हुई या जो अभी अपना लगा हुआ उसकी ग्रिप, दोनों में से जिसकी भी ग्रिप अच्छी लगी भाई वो टायर लगा देंगे। और जो टायर नहीं लगाएंगे उसको हम भाई जलाने वाले हैं, मतलब जलाने मतलब मीन्स के भाई उसका पूरा धुआं धुआं निकाल डालेंगे। तो गाइस ये रहा अपना वो वाला टायर जो हमें लगवाना है, ठीक है। और देखो भाई ये वाले टायर में भी सीन क्या है भाई, देख रहे हो भाई खिल्ली विल्ली घुसी पड़ी है बहुत खतरनाक तरीके से। और अभी दोनों में से बताओ भाई कौन सा टायर सही लग रहा है। देखो टायर तो मुझे यही सही लग रहा है जो अपनी बाइक में लगा हुआ है, बट सीन क्या है इसके साथ कि भाई इसमें ना पंचर कम पड़े और इसमें दो ही पंचर है, देखते जो सही ग्रिप देगा वो हम लगा देंगे, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे अगर ये ग्रिप नहीं दिया तो इसको पूरा जलाने वाले भाई पूरी तरीके से। अभी हमको जाना है भाई इसको लगवाने, वैसे देख रहे हो भाई कैसे मोटा सा दिख रहा है भाई ये वाला टायर 140 सेक्शन का और ये 150 है, ठीक है। ये इससे बड़ा है पर कितना छोटा दिख रहा है इसके सामने, पतला लग रहा है, क्यों भाई? क्योंकि रिम में लगता है ना, तो वो रिम में लगने की वजह से पतला है, मतलब ऐसे हो जाता है। तो अभी इसको लगवाते हैं और लगवाने के बाद देखते हैं भाई कौन सा सही है, उसके बाद भाई जलाएंगे, मजा आने वाली है। चलो गाइस अभी ये वाला टायर लेके निकलते हैं भाई, ये भाई क्या उछल रहा है खतरनाक तरीके से, ले ये पकड़ के बैठ गया। और भाई ये जब भी मेरे पीछे अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे भाई, पकड़ के बैठा हुआ था, जब भी मैं ब्रेक मार रहा हूँ भाई मेरे सर पे टायर लग रहा है पता है, क्योंकि बीच में रखा हुआ है टायर। तो गाइस फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें शॉप मिल गई है, अब फटाफट से इसका टायर चेंज करवाते हैं भाई, इसका आदमी का ये टायर बदलना है, कारीगर नहीं है। तो गाइस फाइनली बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे शॉप मिल गई है, तो यहाँ पे देखते भाई चेंज कर देते कि नहीं। तो चलो गाइस अंदर पूछते अभी, टायर चेंज करवाओ मुझे,
गाइस अभी अंकल इस टायर को चेंज करने के लिए बोले, अगर वो टायर इस टायर में लगाओगे तो भाई 300 रुपया चार्ज लगे। 300 रुपया भाई 200 ले लेना सही है यार। बहुत मेहनत करना। अरे मेहनत क्या भाई, खाली चेंज करके उसमें लगाना है यार। मैं अंकल से बात कर लेता हूँ, लगा लो 200 रुपए ले लो भैया। मेहनत आप देखोगे तो मालूम होगा। अरे मेहनत मैंने देखी अंकल, लगा दो सही। आप खाली सामने जाके वो पंचर वाले में सामने बताओ उसको, 200 रुपए मेरे को खोलने का फिट करने का क्या लेगा। अरे ले लो, नहीं 220 कर देता हूँ। चलो सही। तो गाइस अभी बाइक हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, अभी बाइक का ये वाला टायर खुलने वाला है और वो वाला टायर लगवाएंगे। भाई अंकल ने 220 रुपए ले लिए मुझसे। तो गाइस देख रहे हो कुछ इस तरीके से खुल रहा है भाई। सिंगल स्टैंड रहता तो यही प्रॉब्लम है कि भाई गाड़ी पकड़नी पड़ती है। हमारे आजाद भाई ने गाड़ी पकड़ के रखी। छोड़ना मत भाई, टायर कुछ लगा नहीं, नीचे कुछ सपोर्ट ही नहीं है। तो गाइस देख रहे हो अपनी सेनेटा किस पे खड़ी है भाई, दो टायर लगे हुए रंग बिरंगी। गाइस चेक कर रहे हो भाई मशीन कितनी खतरनाक तरीके से चल रही है। गाइस इस वाली मशीन से अभी निकलने वाला अपना टायर, देख रहे हो किस तरीके से टायर खुल रहा है भाई। अपना पुराना वाला टायर खुल गया है, ठीक है। और ये वजनदार है बे, बहुत वजन है यार। और देख रहे हो अभी ये खुलने के बाद कितना चौड़ा दिख रहा है। तो इसको अभी यहीं पर रखेंगे हम लोग और वो वाला टायर लगवाएंगे। अभी जो दूसरा वाला टायर है वो इसमें लग गया है, ठीक है। और ये टायर में भाई पंचर है ना, तो भाई इसमें पंचर निकला है, ठीक है। तो अभी यही करेंगे, ये वाला टायर हम पूरा जलाने वाले, ठीक है। अपना जो पुराना टायर लगा हुआ है वो उसी में लगे रहने देंगे। तो अभी फटाफट इसको फिटिंग करवाते हैं और लेके निकलते हैं। गाइस फाइनली टायर लग चुका है, ठीक है। और तुम्हारा भाई अभी जा रहा है भाई अपनी लोकेशन में जहाँ पे मैं रिलीज वगैरह करता हूँ। और ये वाला टायर लगाने के बाद भाई गाड़ी हल्की हल्की सी लग रही है, क्योंकि भाई ये टायर है 140 सेक्शन का और अपने जो सन्नाटा में टायर लगा हुआ था, ठीक है, वो है 150 सेक्शन का। पुलिस वालों ने कपल पकड़ा है भाई, लगता है यहाँ पे पुलिस वालों ने किसी को रोका हुआ है। किसको पकड़ा है भाई, लगता है कार वाले को नहीं पकड़ा भाई। कार वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ सीन हुआ है भाई यहाँ पे लग रहा है। हाँ लड़के ना तीन भाई, कुछ सीन कर रहा है लोग ने पक्का। भाई पुलिस वाले हमें ना हैरान करे तो सही है। देख ब्रेक मार, पीछे ली डीसी नहीं बैठी। उधर वाला नहीं भाई, इधर वाला चिपक गया होगा, इसीलिए वो कर रहा है। ओबे टायर जाम हो गया। अरे भाई गाइस यहाँ पे एक सीन हो गया भाई, हमारा टायर जाम हो गया। अभी क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। ये कैसे हो गया यार, तूने बहुत जोर जोर से दबाया ना, इसकी वजह से लग रहा है। मत कर छोड़। अब उठा, वो फ्री हो गया गाइस। चलो तो अभी ब्रेक मत दबाना। तो भाई लोग अब मारते भाई इस पे बर्निंग, मजा आने वाली है। अब खतरनाक तरीके से जला दिया पूरा टायर। ओ भाई गाइस टायर चेक कर रहे हो, पूरा जल गया है। अबे यार अब है ना इसमें भाई इसके तार दिखने लगे भाई, कसम से पूरे भाई इसके तार दिखने लगे भाई, बहुत बुरी भाई। क्या जलाया है, खतरनाक भाई। चेक कर रहे हो ये भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी हम लोग ने खोद डाली है और भाई पूरे डामर की खुशबू आ रही है और अपनी बाइक भी बहुत गर्म हो गई है। देखो फैन की आवाज आने लगी भाई। अब इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। देखो इससे ज्यादा अगर मैं करने जाऊंगा तो पक्का पता है मेरे को भाई टायर फट ही जाएगा। और अगर टायर फटा तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा टायर है नहीं। और देख भाई चेक कर रहे हो, मैं अभी दिखा दो। देखो ये जो है ना भाई, पूरी देख लो भाई अंदर, मतलब चाबी अंदर घुस जा रही है पूरी। अभी जो हमें करना था वो तो हमने कर लिया, ठीक है। एकदम टायर वायर पूरी खतरनाक तरीके से जला दिया और भाई धूप हो रही है खतरनाक वाली। तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई और टायर जो अपना पहले वाला टायर था वही लगवाएंगे और इसको भाई फेंक देंगे। अब इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो वो वाला टायर जो था हमारा वही लगवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे घर। तो गाइस ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ से निकलते अभी हम लोग, राइट सेफ बी सेफ।